दिवाली से एक दिन पहले एक अन्य महत्वपूर्ण दिन भी आता है, जिसे छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदसी भी कहा जाता है, जो मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण द्वारा असुर नरकासुर के वध की याद में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए धरती पर अत्याचार फैलाए थे और 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। उसने देवताओं और मनुष्य को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया था। उस समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उन कन्याओं को मुक्त कराया था। इस विजय को अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है और इसी कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जैसे मुख्य दिवाली अंधकार पर प्रकाश के विजय का उत्सव है। छोटी दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश करना और स्नान करना शुभ माना जाता है। इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं, जो इस दिन को विशेष पूजा प्रक्रिया मानी जाती है। इसके बाद घर की साफ सफाई और दीप जलाकर भगवान यमराज, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। स्नान और शुद्धि। अभ्यंग स्नान से शरीर और मन की शुद्धि की जाती है। यह स्नान सूर्योदय से पहले करने का महत्व बताया गया है। दीप जलाना। घर के हर कोने में दीपक जलाया जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियां दूर हों। भगवान श्री कृष्ण की पूजा। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनका ध्यान किया जाता है। यमराज की पूजा। इस दिन यमराज को दीप जलाकर उनकी आराधना की जाती है ताकि अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल सके। रूप चौदस। इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है, जिसमें लोग सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए विशेष उपाय करते हैं। महिलाएं इस दिन अपने रूप को निखारने के लिए विशेष मानती है। छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु व बल की प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन लोग घर, दुकान, कारोबार आदि जगहों को साफ सफाई करके फूलों व लाइट से सजाया करते हैं। फिर शाम के समय बुराई के अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक भी जलाया जाता है।